हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों, मुझे मालूम नहीं है कि आज का व्लॉग हमारा कैसा रहेगा। वैसे आज हमारे जीजा जी और हमारी बहन तृप्ता दोस्तों, वो आज मेहमानी पे आने वाले हैं घर पे। तो हमने सोच रखा है दोस्तों कि जीजा जी का हम आज इंटरव्यू लेंगे, उन्हें अब कैमरे में अपने कैद कर देंगे। लेकिन अब जीजा जी, हमने बात नहीं की है, पूछा नहीं है उनसे, लेकिन जब वो आएंगे फिर उनसे हम कर लेंगे दोस्तों। लेकिन जो भी होगा, हम चाहेंगे कि जीजा जी हम मतलब कुछ तो कहें कैमरे पे, कुछ तो बोल रहे। तो दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहेगी और हम रिक्वेस्ट भी उनसे करेंगे। तो आज शाम को आने वाले हैं, तो जब भी वो आएंगे, वो बोले या ना बोले दोस्तों, लेकिन हम मिला हम आप सबको देंगे, अपनी बहन से भी और जीजा जी से भी। तो ओके फ्रेंड्स, और बाकी जो भी कुछ ब्लॉग्स में होगा वो सब आपको दिखा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अब बाद में आपसे। ओके बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा बहुत विशेष और बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे घर हमारे प्यारे जीजा जी है दोस्तों, जो हमारे बहुत प्यारे जीजा जी हैं हमारे, आज वो हमारे घर आए हैं। और फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं आपको कि जो हमारे जीजा जी हैं, वो दोस्तों हमारी ताई की बेटी थी तृप्ता। तो इनकी दोस्तों दूसरी शादी हुई है हमारे जीजा जी की, इसके साथ दूसरी शादी हुई है। और ये आज मेहमान आए हैं दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों मतलब ये रिटायर हो चुके हैं अभी, और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत स्ट्रगल और बहुत संघर्ष किया इन्होंने, मतलब बहुत गरीबी भी देखी है दोस्तों, और आज अच्छी पोजीशन में भी है, बहुत अच्छी पोजीशन है आज की डेट में, पर वो आज की बात है दोस्तों। तो जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, जॉब की है दोस्तों, हम चाहेंगे कि जीजा जी की हर एक पल वो कैमरे में कैद करना चाहेंगे आज, कि हमारे जीजा जी ने जो भी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, वो हम इनकी पूरी कहानी कैमरे में कैद करना चाहते हैं। इसलिए हमने जीजा जी से कहा कि जीजा जी, आज आपका ब्लॉग बनेगा और आपकी हर बात कैद होगी आज। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा बहुत अच्छा है। मैं अपने जीजा जी मतलब जीजा जी से मिलाता हूँ आपसे, और श्री राम स्वरूप जिनका नाम है दोस्तों, ये हमारा जो हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ता है इनका, और गांव इनका लकोठी होगा दोस्तों, इनका राम स्वरूप जी नाम है। और दोस्तों, फिर मिलाते हैं हम जीजा जी से, और इनकी हिस्ट्री पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक आज पोजीशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, आज को कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया है, पूरी कहानी बताते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, मिलाते हैं फिर जीजा जी से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जीजा जी हैं दोस्तों, नाम है ठाकुर राम स्वरूप दोस्तों, ये रिटायर हो चुके हैं। तो मैं अपने जीजा जी से कहूंगा कि जीजा जी, आप अपने विचार रखें। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, एक गरीबी आपको सबको शेयर कर रहा हूं, अच्छी लगे तो उसको लाइव करना, नहीं लगे तो आप अपनी इच्छा। सही बात। तो बहुत गरीबी देखी, दिहाड़ी भी कमाई, पहला तो घर में जिम्मेदारा करते रहे, बहुत छोटे छोटे थे, फिर अच्छा चले अपनी ड्यूटी करने, भाई देखते कहीं काम ढूंढते। अच्छा जी। फिर मेरे को काम मिला चाइल्ड पीडब्ल्यू सेक्शन कंडा घाट। अच्छा। तो दिहाड़ी थी वहाँ 5 रुपये, घर से बहुत दूर है। अच्छा। सवेरे 6 बजे जाके 1 घंटा हमारा सड़क में लगता है, सड़क से फिर 12 किलोमीटर चाइल्ड है। अच्छा। तो आप 12 किलोमीटर पैदल चलते थे? पैदल चलते थे, बाद में जब गरीबी में थोड़े हुए फिर साइकिल रखी माड़ी माड़ी सीखनी। अच्छा। तब उसे चलते रहे चलते रहे, फिर दिहाड़ी हुई बहुत कम, धक्के खाते रहे। अच्छा। फिर भगवान ने आगे आगे पहुंचाते पहुंचाते दिहाड़ी बढ़िया हो गई, फिर 50 हो गया, 60 हो गया। ओके, देखो दोस्तों, 5 रुपए दिहाड़ी, 5 रुपए दिहाड़ी से शुरू किया है जीजा जी ने हमारा स्ट्रगल। तो ये जीजा जी कितने समय पहले की बात? और फिर देखो, इतनी मेहनत की, गरीबी में बहुत कुछ करना पड़ता, 2 रुपए किलो मैंने गाँव से दूध उठाया लखोटी से, और चाल बजाना जो 12 किलोमीटर सड़क से आगे है। अच्छा। 12 किलोमीटर है तो सवेरे 1 घंटा तो लगता है पूरा ऊपर सड़क पहुंचने में। अच्छा जी। फिर 12 किलोमीटर करना सरपुर। अच्छा। तो 9 बजे को दूध दे के कम्प्लीट करके फिर देनी हाजिरी। अच्छा। फिर कमाई दिहाड़ी, फिर चले और शाम को लेना घास। अच्छा। गाय भी पाड़ी, भैंसे भी पाड़ी। हाँ जी। फिर चलते रहे चलते दिहाड़ी बढ़ती रही बढ़ती रही। अच्छा। फिर एक दिन ऐसा आ गया, भाई
काम बहुत है, नहीं करना, घर में मुकर गए। अच्छा, मैंने कहा जी नौकरी करनी है। गांव वाले बोले कि क्या रहा, बोला झोलटू चक्के जा रहे। अच्छा, मैंने कहा कि इसका फल मिलेगा हमारे को। अच्छा, झोलटू चक्के जा रहे दोस्तों, गांव वाले कहते थे गांव वाले कहते झोला चक्के जा रहे, बोले क्या दिहाड़ी कमाणी। मैंने कहा भगवान सब कहता है, चले रहे चले रहे। आज जब मैं इस पहुंचा, बढ़ते बढ़ते मैं 1870 पर पका हुआ, 1194 में पका हुआ हो गया। उस 3 रुपए और 5 रुपए दिहाड़ी से। अच्छा, तो जी मतलब कौन सी सन की आपको आइडिया है कि कौन सी सन की बात होगी? ये मैं 94 पका होगा जी। नहीं, ये जब आपकी 3 और 5 रुपए आपकी दिहाड़ी होती तो ये जोड़ो तो 13 साल डेली पर नौकरी की, इतना मेरे को मालूम पड़े, मेरे से ना मालूम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, पर 13 साल मेरे को पता है, इतनी मैंने डेली पर नौकरी की है। अच्छा जी, तो 3 रुपए शुरू हुए, 3 से मेरे को 5 मिले, फिर 5 से बढ़ते बढ़ते मतलब 1870 रुपए में पका हो गया। अच्छा, और तब मतलब कोई 10 साल तक मैंने दूध उठाया। अच्छा जी, साइकिल चलाई। अच्छा, 16 साल तक स्कूटर चलाया। अच्छा जी, इस भगवान ने दिया, वो 3 रुपए से कमाया जी। अच्छा जी, और कितना देखो चाल, कितना दूर है, फिर घास भी जाना। अच्छा, और 5 बच्चे भी पड़े साथ। 5 बच्चे हैं दोस्तों, जो उनकी वाइफ की पहले वाली दोस्तों, उनके 5 बच्चे हुए दोस्तों। अच्छा जी, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। एक लड़का, अच्छा जी, उनको सबको ब्याह दिया है। अच्छा, लड़की ब्याह दी, बेटा भी ब्याह दिया। हाँ जी, बेटे के पोता पोती भी हो गई आगे। हाँ जी, सब है जी, पूरी फैमिली है दोस्तों। हाँ, तो मैं देखो अभी जब रिटायर हुआ। अच्छा, तो बुंजाजार में रिटायर हुआ मैं। अच्छा, 3 रुपये लगा रहा बुंजाजार कौन सा। अब देख लो सर, और इतनी गरीबी देखी, मतलब शाम की रोटी खा ली। हाँ जी, तो सवेरे की मुश्किल हो जाती, पर भगवान ने आगे सागे। अच्छा, 2.5 साल में नौकरी की। अच्छा जी, अब 60 साल में रिटायर हुआ। अच्छा, पर इसमें संघर्ष बड़ा करना पड़ा है। अच्छा, कहाँ कंडा घाट, कहाँ सोन, कभी कहीं बजे दोस्तों। ये बहुत दूर है, ये कितना किलोमीटर का होगा जीजा जी? तो हमारे चाल तो है 12 किलोमीटर सड़क से। अच्छा जी, और 5 या 6 किलोमीटर तो खड़ी चढ़ाई ऊपर, खड़ी चढ़ाई चढ़नी मतलब घर से 5-6 किलोमीटर दोस्तों, खड़ी चढ़ाई चढ़नी। सवेरे उठना हमने 5 बजे, गाय दूनी, भैंसे दूनी। अच्छा जी, फिर नहाना धोना करना, रोटी पैक करनी। अच्छा जी, फिर चलना 9-10 बजे रात को पहुँचने। अच्छा, फिर गाय भी दूनी, भैंसे दूनी, बच्चे हुए बच्चे भी पाले। अच्छा जी, सही बात है। नहीं तो आजकल तो कहाँ, आजकल तो यहाँ सड़क मुंह के पास हो। हाँ जी, फिर नहीं जा सकते। ये पहले की बात है दोस्तों, जब बात कर रहे हैं गरीबी की बात है दोस्तों ये। तब बताते हैं भाई, सब बच्चे को या किसी को भी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से आगे निकलना चाहिए। हाँ जी, सही बात है। तो संघर्ष देखो, कहाँ चायल है, कहाँ लखोटी है। हाँ जी, लखोटी में 2 रुपए किलो दूध खरीदना और 2.5 रुपए बेचना चायल में, 50 पैसे देना उठाने का, 25 किलो दूध लेना पीठ पर। 25 किलो दूध, 25 किलो 10 साल उठाया मैंने जी। अच्छा, ये देख लीजिए दोस्तों आप। अच्छा, 10 साल का संघर्ष किया। फिर एक अंग्रेज आया कनाडा से। अच्छा, तो हम उस पर से बोलो तेरे दूध के। तो बोले रहा, बोले कहीं हमसे 12-13 दूध थे तो डर गए, बोले सैंपल होगा। मैंने कहा मेरा सैंपल हो भाई, देख मैं करता हूँ सच्चा काम। अच्छा, दूध बेचता हूँ पर पानी नहीं डालता। मैंने कहा मेरे को पकड़े बेशक। उसने दूध रखाया, नाम लिखाया, बोलो दे आओ तुम दूध। देख आए फिर सब आ गए इंटरव्यू देने। अच्छा, हो गए इंटरव्यू, भाई कितना दूध, क्या भैंसे, कितना लंबड़ है, कितना घास देते, अलग अलग पूछा मैंने। अच्छा, फिर इंटरव्यू दिया मैंने, बोला भाई जो 4 किलो दूध देती है उन गाय भैंसे को 2 किलो दाना खिलाना पड़ता है डेली। अच्छा भाई, जी जो 4 किलो दूध देगी, 10 किलो देगी, उनको 5 किलो दाना देना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये भी एक हमारे नॉलेज की बात है कि आपको कितना लीटर दूध चाहिए। हाँ जी, उसके उससे आधा आप दाना खिला लो उनको, तब वो दूध देगी। फिर उसने इंटरव्यू फेल हो गए। अच्छा, 4-5 दूध से फेल हो गए। फिर मैंने पड़ा आदमी था। अच्छा, फिर बोले भाई तेरे को हम कनाडा ले जाते हैं। अच्छा, उस वक्त पकड़ा नहीं था मैं, कनाडा ले कनाडा ले जाते, कनाडा के लिए बोला दोस्तों, इनके लिए। अच्छा, पिताजी मुकर गए भाई, 1.5 लाख तेरे पेमेंट होगी पहला ही। अच्छा, 1 साल की पेमेंट तेरी जमा कर जाएंगे 1 साल के। बुढ़ा बोले वो तू तो मर जाएगा वहाँ। नहीं छाटा जी, पर भगवान ने मेरे को रोजी रोटी PW मिल गई। अच्छा, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष से ही आगे निकलता है। ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी फिर नहीं करनी किसी से। सही बात है जी, ये हमारी भगवान से दुआ है, सब लोगों से है। हाँ, संघर्ष करके सब कुछ मिलता है। सही बात है दोस्तों। ये देखो कहाँ लखोटी, कहाँ चायल। हाँ जी, और सारा गांव से दूध निकालना, इकट्ठा करना, वो भी 50 पैसे किलो उठाने में। ओके, तब वो संघर्ष किया, तब जाके आज सब भगवान की दया से घर बार भी है, बच्चे भी है। आज की डेट में दोस्तों सब कुछ ठीक है इनका। सिर्फ एक बीबी नहीं रही, फिर उसके बाद और मिल गई, भगवान ने दे दिया। हाँ जी, नहीं तो बिछड़ गए थे हम, 5-6 साल मैंने अकेले कटे हुए। हाँ जी, फिर भगवान के और मिल गया साथी। हाँ जी, समय कट रहा है तो इतनी हम प्रार्थना करते सब साथ जोड़ के संघर्ष। सही बात है दोस्तों, कि मतलब आप जीवन जिए
बेईमानी ना करें। हाँ, बेईमानी ना करें, ईमानदारी से काम करें, भगवान की जय करेगा। सही बात है जी। क्यों मैं देख लिया, क्यों इतनी गरीबी हुई, शाम की रोटी खाई तो सवेरे की मुश्किल थी। हाँ जी, आज भगवान की से रोटी भी है, मकान भी है, 12 साल मैंने घास की झोंपड़ी में टाइम काटा है। आज मेरे पास 150 घास की झोंपड़ी में दोस्तों रह के 12 साल कटे, 12 साल कटे हुए हैं। हम 6 भाई थे, पर आप अपने लिए हो गए थे। अच्छा, 6 भाई थे ये। पिताजी एक्सपायर हो गए थे, माता जी एक्सपायर हो गए थे, अच्छा तो भाइयों का पता ही भाई क्या क्या होता है। पर आज हम भाई सब कट है, अच्छा दो जी। भाई बिछड़ गए, 4 हमारे हुए। हाँ, तो दो इनके रहे नहीं दोस्तों भाई, हाँ जी, और 4 भाई अभी है ये। अब हम सब कट है, हमारा एक तालमेल सबका, अच्छा जी, अब हमारा कोई नहीं है भेदभाव। उस वक्त बचपन में होता था अच्छा तो जी, उस संघर्ष सब भाइयों ने किया, सब अच्छा ने अपने मकान है जो अपने लायक अच्छा कर दिए है। अब हमारे पे कोई भेदभाव नहीं, हम एक दूसरे में रोटी नहीं खाते जाके, तो अच्छा, भाइयों में भी एकता होनी चाहिए, कभी सही बात है, भेदभाव नहीं होना चाहिए भाइयों में। सही बात बोलते है भी जी। भाई चाहे दुश्मन है, पर वो भाई अपना ही है। हाँ जी, तो ये है दोस्तों मेरे सबसे गुजारिश है, हाँ जी, मेहनत करो, मेहनत से कमाओ, हाँ जी, सब कुछ मिलता है। देखो मैंने कितनी मेहनत की, 3 पैर लगा और 52,000 में रिटायर हुआ मैं, सही बात है जी। और पेंशन मेरे को 27,500 पेंशन मिलता है। अच्छा जी, आगे बढ़ती रहेगी भगवान की दया से, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तब वैसे आगे तुम्हें कुछ है नहीं मेरे पास कहने को। चल तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक मिसाल है हमारे जीजा जी की, ईमानदारी से आज जीवन जिए तो भगवान भी साथ हमारा देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, लेकिन बेईमानी ना हो, ईमानदारी हो, ये हाँ, बात ईमानदारी रखनी, कहीं बेईमानी नहीं करनी। बच्चे मेरे सब एडजस्ट मेटे, लड़कियाँ लड़के सब सब, दोस्तों, बच्चे की सब की लड़कियों की शादी हो रही अच्छे से, इनकी बेटा बहू अच्छे हैं। हाँ और दोस्तों जब वो हमारे अभी आने हैं उन्होंने, और जब भी वो आएंगे आपको उनसे मिला दिया जाएगा कि हमारे जीजा जी के ये बहू और बेटा है दोस्तों, पोते पाते इनके पूरी फैमिली से आपको मिला पूरी दिया फैमिली जाएगा। हमारी अच्छी है, सब कोई नहीं है बाहर। हाँ जी, सही बात है जी। बाकी दोस्तों अभी मैं अपनी बहन से भी मिलाता हूँ, और अपने जीजा जी तो उसको मिल ही गए हैं, बाकी बहन तृप्ता है हमारी, ताई की बेटी है दोस्तों हमारे, तो उसे भी मैं बुलाता हूँ अभी, परे कमरे में है वो, उसे मैं बुलाता हूँ अभी, और जीजा जी के साथ उसको भी दिखाता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारी ताई की बेटी है दोस्तों, और मेरी बहन है तृप्ता, तो इसने शादी की है दोस्तों हमारे जीजा जी के साथ, और बाकी आप इनसे मिल गए होंगे। तो दोस्तों बाकी अब फिर अब बाद में मिलते हैं दोस्तों आपको, अभी हम मतलब शाम का टाइम है दोस्तों, खाना खुना खाते हैं अभी, और बाकी जीजा जी की आओ भगत भी करते हैं। और ओके फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाकी मेरी बहन ये है तृप्ता देवी है, और हमारे जीजा जी हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, हेलो गाइस, तो आज आपने सुनी होगी हमारे जीजा जी ने जो संघर्ष किया दोस्तों, हम हिमाचल के लोगों ने दोस्तों कितना स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किए हैं, और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा किए हैं दोस्तों, इतना आज की पीढ़ी ने तो किसने नहीं कि हमने भी ये नहीं किए हैं, इन्होंने अपने टाइम में बहुत संघर्ष और बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों। तो वो आपने सुना होगा कि हिमाचल में लोग किस तरह का संघर्ष करते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, सभी के लिए है दोस्तों, ईमानदारी से जीवन जिए, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है आपको, मतलब सीखे हम सभी के लिए दोस्तों। और अब फ्रेंड्स मैं आज के ब्लॉग को यहाँ समाप्त करता हूँ, और अगर आपको मेरे ब्लॉग से अच्छे लगे हैं दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर दोस्तों कल मिलते हैं आपसे नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू से फॉर वॉचिंग, ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं फिर आपसे कल, ओके बाय।